सोहे गाय स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में और आज के इस वीडियो में बात करेंगे अडानी ग्रुप को लेकर अडानी ग्रुप के ऊपर आज जो विवाद चल रहा था अडानी हिडंगर्ग मामले को लेकर अदालत के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसके ऊपर क्या फैसला निकल कर आया है तो चलिए जानते हैं डिटेल में जो फाइनल जो फैसला है वो आ चुका है तो चलिए फटाफट से देखते भी कैसे रहे हैं और उसके चलते जो अडानी ग्रुप के कुछ एक शेयर है जिनमें जबरदस्त रैली बनी है लास्ट में जाकर तो उसके पीछे उसी कुछ तथ्यों का कारण रहा है तो क्या तथ्य निकल कर सामने आए है? तो हैं तो चलिए देखते डिटेल में जैसा कि आप लोग देखोगे सीमेंट है पॉजिटिव क्लोजिंग अडानी एंटरप्राइजेज है टू पॉइंट की जबरदस्त तेजी बनी है अडानी ग्रीन एनर्जी के अंदर एक के करीब अडानी पोर्ट आपको जो अभी पॉइंट के आसपास उछलते नजर आए हैं वहीं अगर बात करें अडानी पावर के तो चार के करीब स्टॉक में रैली बनी है अंबुजा सीमेंट भले ही थोड़ा टूटा हो लेकिन एटीजीएल में 1% प्लस की तेजी ए डब्लू uh, एल यानी कि अडानी विल्मर में भी तेजी और एनडीटीवी में तो uh, 6 से 7% के करीब जोने भी जबरदस्त रैली बनते नजर आई है तो चलिए अब देखते भी क्या है पूरा मामला कितनी जांच हुई है क्या जोने भी निष्कर्ष निकल कर आए सामने तो यहां पर आप लोग देखोगे भी अडानी मामले के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो आ चुका है जो संपूर्ण फैसला है भाई तो बिजनेस टुडे वेबसाइट के ऊपर ये अपडेट हमें देखने को मिल रही है यहां पर देखोगे अडानी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है इससे पहले दिन में आप लोग देखो बाजार नियामक सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह अडानी मामले में अपनी जांच पूरी करने के लिए और कोई विस्तार नहीं मांगेगा यानी कि और समय नहीं मांगने वाला है तो इसके ऊपर आगे क्या अपडेट आई है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते सारांश है सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को डन मामले में जो कई याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है और भारत के मुख्य न्यायाधीश जो डी वाई चंद्रचूड की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत केवल रिपोर्टों पर भरोसा करके मामले में बाजार नियामक सेबी की जांच पर संदेह नहीं कर सकता ठीक है इसके इससे पहले दिन में बाजार नियामक सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह इस मामले में अपनी जांच जो पूरी करने के लिए और अधिक विस्तार नहीं मांगने वाला अब तक तो ये सारी बातें सामने आई हैं उसके बाद और क्या अपडेट रही है सामने तो चलिए उसके बारे में आपको यहाँ पर पता चलेगा अभी देखो आज जो भी कुछ कुछ मामला सामने आया है तो उसके बारे में क्या अपडेट वो यहाँ पर सारा अंश जो मुख्य अंश है वो इस प्रकार से है तो चलिए देखते हैं अदालत ने यह भी कहा है कि बाजार नियामक सेबी को सभी चौबीस मामलों की जो है जांच पूरी करनी होगी इससे पहले सेबी ने पच्चीस अगस्त को अपनी स्थिति रिपोर्ट जो है में कहा था कि उसने चौबीस में से बाईस मामलों की अपनी जो जांच है वो पूरी कर ली है और सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट को सत्य के बयान के रूप में नहीं माना जाना चाहिए तो ये सबसे बड़ा जो ना अभी इनका तथ्य आया है सामने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जहां पर बोला गया है आज की इस दिन की न्यूज में कि हिडनबर्ग रिपोर्ट की जो आई थी उसे सत्य के बयान के रूप में नहीं माना जाना चाहिए यानी कि इन्होंने सहीदे तौर पर अगर बोले तो बहिष्कार किया है उस रिपोर्ट का जहां पर कुछ टाइम पहले जनवरी के अंदर जो भी अडानी ग्रुप के शेयरों में कहर भर पाया था ठीक है तो उसको जो ना ना इन्होंने भी इनकार कर दिया उसको मानने से उसके बाद रिपोर्ट में किए गए तथ्यात्मक तो खुलासों पर याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा हमें हिडनबर्ग रिपोर्ट को जो नबी सत्य का बयान नहीं मानना है और हिडनबर्ग की विविधता का परीक्षण करने का कोई साधन नहीं है ठीक है और रिपोर्ट करें और इसलिए सेबी से जांच करने को कहा गया है तो सीधे तौर पर अगर देखें तो जितने भी याचिकाओं ने याचिकाकर्ता थे उन सभी के जो ना भी यहाँ पर बातें सुनी और इसमें जो ना भी सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर बोल दिया कि हम इस रिपोर्ट के ऊपर सत्य रूप से अगर देखें तो हम कुछ भी जो ना भी इसको सत्य के रूप में नहीं मानने वाले हैं तो ऐसा सामने आया है जैसा कि अडानी ने भी बोला था कि ये जो ना भी जान भारत के ऊपर जो ना भी सीधे तौर पर अगर देखें तो निशाना लगाया जा रहा है जिस प्रकार से भारत की जो बढ़ती हुई जी है बढ़ती हुई जो ग्रोथ है उसको जो ना भी हिलाने के लिए तो ये सबसे बड़ी अपडेट थी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सेबी को किसी अखबार में छपी खबर चाहे वह फाइनेंशियल टाइम्स में हो या फिर आप लोगों क्यों ना हो को सु समाचार सत्य के रूप में लेने के लिए जो अभी आप लोगों ने नहीं कहा जा सकता क्या सीबी को उन पत्रकारों का पीछा करना शुरू कर देना चाहिए जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं या फिर आप लोग देखोगे याचिकाकर्ता ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि पत्रकारों को विनोद अडानी के हितों की जो आ, नियंत्रित करने के दस्तावेज वो मिल जाते हैं मिल सकते हैं लेकिन सेबी को सभी शक्तियां होने के बावजूद भी वर्षों तक उन तक जो भी नहीं पहुंच पाती हैं तो ऐसा क्यों हो सकता है ये जो याचिकाकर्ता का सवाल है याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि फाइनेंशियल टाइम्स और जो गार्जियन द्वारा प्रकाशित रिपोर्टों से पता चलता है कि कुछ फंड विनोद अडानी द्वारा चलाए जा रहे थे ठीक है और उन्होंने कहा सेबी ने कहा है कि आ, हमने जांच रिपोर्ट पूरी कर ली है इस मामले के ऊपर और लेकिन खुलासा अभी तक नहीं किया है तो ऐसा मामला है सामने तब अदालत ने कहा क्या सेबी को कानून के तहत कार्रवाई शुरू करने से पहले ही निष्कर्षों का खुलासा करने के लिए जो भी कहा जा सकते हैं हम सेबी के निष्कर्षों का पहले से जो भी आकलन कैसे कर सकते हैं तो ये इनकी बात भी सही है वो बोल रहे हैं कि आपने अगर ये कुछ विनोद अडानी से जुड़े मामले हैं तो सेबी ने क्या कहा कि हमने जांच कर ली है लेकिन हमने उसका खुलासा अभी तक नहीं किया है तो इसके ऊपर जो भी अदालत ने क्या कहा है क्या ऐसे में कानून के तहत कार्यवाही शुरू करने से पहले ही निष्कर्षों का खुलासा करना जो भी क्या सही है ऐसा तो ये जो भी अदालत की तरफ से ये बयान आया उसके बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसे कोर्ट द्वारा नियुक्त जो एस पर विचार करना चाहिए और जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेबी की जांच पर संदेह करने के लिए हमारे पास सामग्री कहाँ है तो किस जा, किसी भी जांच की है सेबी ने तो उसके ऊपर हम कैसे संदेह करें क्या उसका जो है ना आपके पास सामग्री है तो ऐसा जो ना भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बयान फिर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण समेत याचिकाकर्ताओं ने कहा कि विशेषज्ञ समिति के दो सदस्यों में विवाद है और समिति का पुनर्गठन किया जाना चाहिए ओपी भट्ट हाल ही में मार्च दो तक ग्रीन को जो एनर्जी कंपनी के अध्यक्ष हैं ग्रीन को अडानी के साथ जो साझेदारी कर रहा था ऐसा जो वकील का मानना है और उन्होंने कहा कि सोमशेखर सुंदरसेन अडानी समूह के वकील रहे हैं तो इन सब के ऊपर के, के साथ बहुत अन्याय होगा और लोग सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति में काम करना बंद कर देंगे हमने मुद्दे को मुद्दे का आकलन करने में विशेषज्ञता लाने के लिए न्यायाधीशों नहीं बल्कि उद्योग के दिग्गजों को जो ना अभी आप लोगों देखोगे नियुक्त किया गया था वहाँ पर ठीक है तो ये सामने आई अपडेट उसके बाद अदालत से सवाल किया कि उन्हें इन प्रमाणित आरोपों को क्यों लेना है लेना चाहिए हमें सोम को आरोग्य सॉरी अयोग्य घोषित कर कर देना चाहिए क्योंकि वह सत्रह साल पहले एक निश्चित पार्टी के लिए उपस्थित हुए थे और इस तर्क से कोई भी वकील न्यायाधीश नहीं बन सकता पीठ ने ये ऐसा कहा है तो याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बाजार नियामक की कार्यवाही संदिग्ध है और क्योंकि उनके पास 2014 से विवरण है और राजस्व खुफिया निदेशालय ने डीआरआई ने 2014 में से भी अध्यक्ष के साथ विवरण साझा किया था याचिकाकर्ताओं ने कहा कि 2014 में डीआरआई ने उपकरणों की 6700 करोड़ रुपए से अधिक की जो बिलिंग का अनुमान है वो लगाया था और याचिकाकर्ताओं ने शुक्रवार को कहा डीआरआई ने बताया कि निकाले गए धन का जो कुल हिस्सा है वो दुबई और मॉरिश के माध्यम से वापस अडानी ग्रुप की जो अभी कंपनियों में भेजा गया था इस पर सेबी के वकील ने इस मामले में अनभिज्ञता का दावा किया और सुप्रीम कोर्ट का जो अभी मानना है कि जो ओवर वैल्युएशन की जांच है वो केवल डीआरआई के पास होगी तो सेबी इस पर क्या कहता है सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह अडानी हिडंग मामले में अपनी जांच पूरी करने के लिए कोई विस्तार नहीं मांगेगा और भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए बाजार नियामक से पूछा कि वह निदेशकों सॉरी निवेशकों के मूल्य पर क्या कर रहा है और क्या वह उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है इस पर सेबी के वकील जो मेहता ने कहा कि ऐसे मामले पाए जाने पर शॉर्ट सेलर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है ठीक है और सोलिसिस्टर ने सोलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग परियोजना की जो ओ है ने एक रिपोर्ट तैयार की लेकिन जो विवरण साझा करने से इनकार कर दिया ठीक है जब हमने उनसे संपर्क किया तो विवरण मांगा तो हमें उन विवरणों से इनकार कर दिया गया उन्होंने एक स्रोत का हवाला दिया अनु, अनुमान पर आधारित स्व सेवा रिपोर्ट इन रिपोर्टों को देखने से ध्यान भटक जाएगा जनरल मेहता ने अदालत को बताया तो ये अब तक का सारा मामला सामने आया है I hope आपको वीडियो पसंद आई टाइम आप लोग ये कहना मुश्किल है कि अडानी ने हेर फिर किया फिर नहीं किया अभी ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा से भी अभी जांच करेगा इस मामले के ऊपर ठीक है और उसी का जो मामला है उसके द्वारा जो जांच की जाएगी उसे ही जो अभी। सत्य माना जाएगा लेकिन किसी के बाहर से जो ना भी रिपोर्ट पब्लिश कर देना या फिर ओसीसीआरपी की रिपोर्ट आना या फिर हिडन वर्ग की रिपोर्ट आना तो उसे हम सत्य के तौर पर नहीं मानने वाले तो ये सारे मामले सामने आए हैं तो जिस प्रकार से ये खबरें है आई हैं तो इस हिसाब से लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो ना भी पूर्ण रूप से सेबी की तरफ गया है और सेबी के साथ साथ जो ना भी जो हिडन वर्ग है उसको बहिष्कार किया है और अडानी के फेवर में ये मामला आया है तो इन सब के ऊपर आप लोग देखोगे आगे क्या जहाँ से होगी वो तो मेरे को भी नहीं पता भी देखो किसी को भी नहीं पता आपको भी नहीं पता लेकिन जैसे कोई खबर आएगी निकल वो आपके साथ जरूर साझा करेंगे तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बैलाइकन को प्रेस करके रखिए और इस खबर से मंडे के दिन अडानी ग्रुप के शेयरों में धमाकेदार तेज़ी के माहौल बन सकते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो